जब फुकरा गया था तब भी अच्छा लगा था, बट जब ये गया तब और ज्यादा अच्छा लगा। तो जैसा कि आपको पता है कि बिग बॉस से निकलने के बाद एलवी सादो का मनु पंजाबी के साथ जियो सिनेमा पर एक इंटरव्यू आया था, जहां कि मनु पंजाबी ने एलवी सादो से पूछा था कि आपकी गर्लफ्रेंड कौन है। तो इस पर एलवी सादो ने रिप्लाई किया था कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी नहीं है और उसे सोशल मीडिया पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो पंजाब से और वो सोशल मीडिया से बिल्कुल भी दूर रहती है, तो इसलिए मैं उसके बारे में खुलकर बात नहीं कर सकता। पर ये बात सुनने के बाद एलवी सादो और कृति मेहरा को एक साथ कपल के तौर पे देखने वाले लोगों को बहुत ही बुरा लगा। तो रिसेंटली कृति मेहरा का एक इंटरव्यू था जहां पर वो एलवी सादो के बारे में बात करते हुए नजर आए, तो वो इस बारे में क्या बोली है चलिए मैं आपको दिखाता हूं। पूरा वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, पर उससे पहले इसी तरीके से अपडेटेड रहने के लिए खबरी वन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बताना कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। उसने उस टाइम पे सपोर्ट किया काफी, पर मेरे एक्सपेक्टेशन ऐसे थे कि नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, क्योंकि उस टाइम पे अगर मैं बुरा लगवाने बैठ जाती ना तो मेरे को बहुत चीजों का बुरा लग जाता, तो मैंने उस चीज को इग्नोर ही करा। Now that Big Boss is over, the winner is announced. कैसा लगता है when कोई अपना जीतता है और कोई अपना इतने बड़े स्टेज पे आ जाता है? जब फुकरा गया था तब भी अच्छा लगा था, बट जब ये गया तब और ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं जानती हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि चलो अपना कोई गया है और अभी ये जीत के ही आना चाहिए। हमारी जो भी पर्सनल चीजें हैं वो एक अलग चीज है, प्रोफेशनल चीज है अलग चीज है, बिल्कुल। तो ये मेरे को लगता है वो उसका प्रोफेशनल वर्क है, तो उसमें तो जीत के आया तो बहुत बहुत अच्छी बात है। मैंने वोट भी किया था करवाया भी था।